तो दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूँ एक नए वीडियोस में। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप सभी को ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि अगर फर्स्ट टाइम यानी कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें किधर भी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो सबसे सेफ म्यूचुअल फंड कौन सा है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए आप सभी का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करूंगा, लेकिन कहां पे करूं, किस म्यूचुअल फंड में करूं, किस तरीके से करूं, कौन सा सेफ है, कैसे मालूम होगा। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं ग्रो एप्लीकेशन में आ गया हूँ और यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास करूँगा और पूरा तरीके से बताऊँगा कि आप लोग इस वीडियो से सीख पाएंगे कि आप लोग स्टार्टिंग में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जहाँ से लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत ही अच्छा गेन मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन आपको मतलब लॉन्ग टर्म तक कैसे सोचना है कि आपका ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा ही देगा। देखिए शॉर्ट टर्म में तो और लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो जैसे कि क्वांट का सबसे नंबर वन पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आप लोग अपने पैसा को सेफ रखना चाहते हैं, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आपको इसमें पूरा डिटेल में समझा दूंगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, 4,000-5,000 म्यूचुअल फंड है, अब किस में इन्वेस्ट करेंगे कैसे मालूम होगा आपको, तो देखिए इसके लिए मैं इस वीडियो को बनाया है। हाई रिटर्न चाहिए, 500 से SIP करेंगे, आपको टैक्स सेवर फंड चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए। अब देखिए इसके बारे में तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है और बना भी दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं आज इस वीडियो में ये बात करूँगा कि आप सेफली बहुत ही सेफ तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने के लिए हाई इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हाई इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो देखिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी जहाँ पे लिस्टेड होता है, और इंडिया का जैसे ग्रोथ ऊपर जाएगा आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से छोड़ के दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ और नहीं बता सकता हूँ वो कहाँ पे जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से अपना फंड चूज कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप समझिएगा कि मैं आपको बहुत ही सेफ ही म्यूचुअल फंड के बारे में सजेशन करूँगा। तो देखिए दोस्तों आप टॉप 50 इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा कोई इंडेक्स पकड़ना है, जैसे कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए मैं SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये भी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही धीमी तरीके से ग्रो मिलता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं मिलेगा, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के सोच सकते हैं। और ऐसे निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये SBI है, अगर आप लोग चाहते हैं तो HDFC के भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग चाहते हैं तो ICICI के भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये है ICICI का, तो आप लोग इसको भी पकड़ के यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग जस्ट यहाँ से वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट SIP पर क्लिक करके SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा देखने का बात ये होता है, चलिए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कोई भी ज़्यादा मतलब एक्सपेंस रेशियो देने को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0.17% देना का है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है इसका, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिए तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और उससे खास बात और है कि यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड जो आपको लगता है 1%, 2% कोई कोई फंड में, यहाँ पे नील है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे नील है, तो आप लोग इसमें और ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और देखिए स्टाम्प ड्यूटी तो आपको देना ही पड़ेगा अगर एक साल के अंदर है, और टैक्सेस तो आपको कोई सा ही फंड इन्वेस्ट करिए वहाँ पे टैक्स तो आपको दे के ही निकलना पड़ेगा, तो ये तो आप लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स को सेलेक्ट करिए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, आपको वो सबसे बेस्ट प्रोविज़न होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि आप लोग कैसे स्टार्टिंग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और जो कि सबसे सेफ होगा वो म्यूचुअल फंड आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड होगा।
तो दोस्तों आप सभी को इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जहां से आपको और विस्तार से समझा पाऊँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मैं इसी तरीके का डेली वीडियो बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लेटेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।